తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు లైవ్ లో చూద్దాం. तो मेन होल के जो कवर्स होते सर वो डिफरेंट थिकनेस के हम अगर रेडीमेड बना के साथ के साथ ओमन क्या होता सर बीटी रोड जब भी डालते हैं ना कवर्स अंदर चले जाते हैं फिर बाद में उसको खोदना पड़ता सर. और एक चीज ये जो वाटर स्टैग्नेशन पॉइंट्स होते सर इसको भी हम दूर करना बहुत जरूरी है सर. और एक जितने भी रोड वाइडनिंग हुए सर रोड वाइडनिंग होने के बाद में बीच में पोल्स है सर वो एज इट इज है. कई बड़े ट्रीज है सर वो भी एज इट इज है जिसकी तरफ से वापिस इंक्रोचमेंट हो रहा सर जिसमें वापिस इंक्रोचमेंट हो रहा है सर उसको भी आपको देखना चाहिए सर. और खुली कुतुब शाह के लिए जैसा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था सर उसको देखना चाहिए. और एक चीज सर टैंक बांड के लिए मैंने कहा था कि टैंक बांड आप कब क्लीन कराएंगे और जितने भी HMDA में लेक्स है सर उसको भी ध्यान देना चाहिए सर. स्ट्रीट लाइट में आपने कहा कि LED हम जल्द से जल्द करेंगे साहब. जब तक LED लाइट आपका पूरा मुकम्मल नहीं होता साहब एग्जिस्टिंग स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के साथ साथ जहां पे भी रिक्वायर्ड है वो स्ट्रीट लाइट को भी आप देखना चाहिए सर. और मूसी रिवर को भी आपने कहा कि टेकअप कर रहे अगर उसको भी जल्द से जल्द लेंगे तो बेटर रहेगा. और पार्किंग लॉट के लिए भी मैंने कहा था सर पार्किंग लॉट के लिए भी आप अच्छे से चूंकि काफी टूरिस्ट जो है ना सर वो हैदराबाद आजकल विजिट कर रहे हैं सर. जब भी हैदराबाद विजिट करते हैं सर चार मीनार मक्का मस्जिद ओल्ड सिटी जरूर विजिट करते हैं सर. तो टूरिस्ट को हमको फैसिलिटीज देने के लिए हमारे पास पार्किंग लॉट नहीं है सर. और लास्टली सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर लास्ट उसके अंदर मैंने कहा था एक नाइट बाजार होना चाहिए सर. हैदराबाद के अंदर एक नाइट बाजार मीना बाजार की तरह अगर रहेगा सर तो टूरिस्ट हमको ज्यादा आएंगे. और एक चीज एक मेन हाशमाबाद का नाला है सर जिसमें ऑलरेडी हम लोग एक्वायर कर लिए सर जितनी भी लैंड है और थोड़ी बहुत बाकी है वो नाले को भी मुकम्मल करना चाहिए सर. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सब को देखेंगे. और LRS और BPS के फाइल सर जितने भी पेंडिंग है आपको फॉरवर्ड होके लोग जब एप्लीकेशन दे दिए सर इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए ताकि ये लोग रिलीज हो जाते सर. और लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है सर जो LRS और BPS जिसको हो जाता उसको भी आप पेनल्टी डालते क्या वो जरा बताइए सर. क्यों उसको पेनल्टी डालते हैं ना. नहीं लास्ट टाइम कैसा था 25% जो पेनल्टी थी वो LRS होने के बाद BPS के बाद भी उसको पेनल्टी डाल रहे थे सर. बिल्डिंग रेगुलराइज करने के बाद डाल रहे थे जब लास्ट टाइम BPS था अब BRS आया सर तो उसको पेनाल्टी डाल रहे थे. अभी भी आप इसको ये होने के बाद पेनाल्टी डालने वाले हैं या नहीं डालने वाले वो भी प्लीज बताइए. शुक्रिया बहुत बहुत सर. इन्वीएसएस प्रभाकर.